हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में बरमूडा मैप की टॉप 10 हिडन प्लेस लेके आया हूं। और सबसे मजेदार बात ये है कि आप गिल्ड वॉर में पिक पे उतरते हो और ज्यादा किल नहीं कर पाते हो, तो उसकी ट्रिक भी लेके आया हूं। और जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपके सीएस रैंक करेक्टर कॉम्बिनेशन को ट्राई करके वीडियो बनाई थी, ऐसी बीआर रैंक के करेक्टर कॉम्बिनेशन को ट्राई करके वीडियो बनाओ। अगर आप चाहते हो तो सारे बंदे अपने करेक्टर कॉम्बिनेशन कमेंट कर दो बीआर की। और वीडियो की ट्रिक ढूंढने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए वीडियो को अभी से लाइक कर दो। ऐसी और हिडन प्लेसेस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अब भी से ऑन कर दो। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। ट्रिक नंबर 10 वर्क करने वाली है सेंतोसा के ब्रिज के पास में। आपको इस वाले रोड पे आ जाना है और इधर आने के बाद एक मिनी लॉन्च पैड जरूर से लेके आ जाना। मिनी लॉन्च पैड को एकदम रोड के साइड में लगा देना है और इधर लॉन्च पैड लगाने के बाद एकदम पूरा ऊपर सेट करके और लॉन्च कर देना। थोड़ी सी और जंप करके थोड़ा और ऊपर आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद आपको थोड़ा और ऊपर जाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, एक ग्लू होल यहाँ पे लगा देना है कुछ इसे। उसके बाद इस ग्लू होल पे चढ़ के आप इस वाले पंखी के पास आ सकते हो और यहाँ लेटने के बाद आपको कोई एनिमी देख नहीं पाएगा, लेकिन आप आराम से ऊपर से बंदों को देख सकते हो और मार भी सकते हो। जैसे नीचे जीप खड़ी है जो मैं लेके आया था, इसको भी मैंने फोड़ दिया आराम से, ऐसे बंदों को भी मार सकते हो। जाओ ये ट्रिक ट्राई करो। ट्रिक नंबर 9 वर्क करने वाली अपने पिक के नीचे के साइड में मल्टी विंडो वाले घर पे। आपको करना क्या, एक बाइक लेके आ जाना, इस बाइक को डायरेक्ट गेट से अंदर ले जाना। और हाँ, इसलिए अंदर ले जाना नहीं है कि कोई चोरी नहीं कर पाए, इसलिए करना है क्योंकि एक ट्रिक बताता हूँ। अरे ज्यादा सोचो मत, आपको ट्रिक बताता हूँ। गाड़ी को रिवर्स लेके आपको तो गाड़ी को अपने इतना एसी लगा देना है कि आपके सर के ऊपर दीवार आ जाए। इसके बाद करना क्या, इस गाड़ी के ऊपर से निकल के आपको ऊपर चले जाना है और यहाँ पे आने के बाद इस गाड़ी को फोड़ देना है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर मुझे डिस्कॉर्ड पे फॉलो नहीं करा है तो कमेंट में लिंक पिन कर दिए। जिसको भी मेरे साथ बात करके गेम खेलना हो तो डिस्कॉर्ड पे फॉलो कर लेना, लिंक कमेंट बॉक्स में। अब ये घर आपके सरवाइव के लिए एकदम रेडी है। क्यों, अगर आपको ये एनिमी आएगा तो वो पहले जंप करेगा तो फिर वो अटक जाएगा इधर आने के बाद, फिर वो क्राउच करके आगे बढ़ेगा जब तक आप मार सकते हो। देखो यहाँ से कोई एनिमी आएगा तो पहले क्राउच करके आएगा जब तक आप बंदे को मार सकते हो। एक एनिमी आया, खड़ा हुआ, अटक गया, उतनी देर में मैंने बंदे को मार दिया। और इस ट्रिक में एनिमी के बचने के चांसेस एकदम जीरो है क्योंकि इतनी जल्दी वो ग्लू होल भी नहीं लगा था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं आज के स्पॉन्सर के बारे में। तो गाइस, कमाल की ट्रिक मिली है। क्या आपको भी इंस्टाग्राम के फ्री में फॉलोवर गेन करना है तो आपको एक कमेंट में लिंक देखने को मिल जाएगी, जिस उस पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ जैसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी सेकंड आईडी लॉगिन करनी है, अगर पहली आईडी से रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ जैसा इंटरफेस आ जाएगा, बस थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और आपको सेंड फॉलोवर पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अपने यूजर नेम डालना है जिसमें आप फॉलोवर गेन करना चाहते हो। इसके बाद आपको फाइंड यूजर पे क्लिक कर देना और इसके बाद आपके प्रोफाइल आपके सामने आ जाएगी और आपको जितने फॉलोवर चाहिए उतने फॉलोवर टाइप कर देना। मुझे 100 चाहिए, 100 टाइप कर दिया, अब स्टार्ट कर दिए। कुछ टाइम में मेरे फॉलोवर आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप भी इस टाइप से फॉलोवर गेन करना चाहते हो तो कमेंट में लिंक दे दिए, जाओ चेकआउट करो। सेफ्टी के लिए अपने दूसरे अकाउंट से आना ताकि रिस्क ना हो। ट्रिक नंबर 8 वर्क करने वाली हैंगर के इस वाली साइड में। आपको करना क्या, टोटल 3 ग्लू होल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जब तक मैं ग्लू होल सेट कर रहा हूँ आप एक छोटा सा काम कर दो, वीडियो को लाइक नहीं करा हो तो लाइक कर देना और इसी वीडियो और देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ध्यान से ऑन कर देना। अब इस बस के ऊपर चढ़ने के बाद सामने इस वाली जगह पे जंप करके आपको इस ग्लू होल के ऊपर जंप करना है और इस वाली ग्लू होल से सामने वाली दीवार पे जंप करके आप इधर आ सकते हो। और यहाँ पे आने के बाद एक और ग्लू होल लगाना है कुछ ऐसा, थोड़ा सा नीचे लगा देना है जिससे आप ऊपर जा सको। अब इस ग्लू होल के ऊपर जंप करने के बाद आप आ जाओगे अपने हिडन प्लेस पे। अब इधर से आराम से सर्वाइव भी कर सकते हो और अगर इधर से कोई बंदा जाएगा तो आपको चारों ओर कवर देखने को मिलेंगे जिससे आप फाइट भी ले सकते हो, लेकिन वो बंदा नहीं मार पाएगा, इतने सारे कवर है, आप खुद देखो। मुझे तो लगता है यहाँ पे आप सोलो डे लेके भी बैठ सकते हो, आपका क्या सोचना है। ट्रिक नंबर 7 वर्क करने वाली है पिक पे और यहाँ पे आपको टोटल 2 ग्लू होल सेट करना है, लेकिन मेरे टीममेट से लगवा लेता हूँ ताकि मेरे ग्लू होल वेस्ट ना हो। और यहाँ पे आने के बाद अपने टीममेट पे जंप करना है और यहाँ पे इस वॉल पे आ जाओगे। अब इस वॉल से लगाना है आपको लेफ्ट वाले बैनर के पास कुछ ऐसा ग्लू होल सेट कर देना है और यहाँ से सीधे आपको जाना है सामने वाले पत्थर पे। तो यहाँ पे अपन आ चुके पत्थर के पास में, आप पत्थर के ऊपर चढ़ जाना है और यहाँ पे आने के बाद एक मिनी लॉन्च पैड को जैसे सेट कर देना है। अब लॉन्च पैड को एकदम परफेक्ट सेट कर देना एकदम ग्लू होल के ऊपर। अब इसके बाद आपको लॉन्च कर देना और आप इस दर पैनर के ऊपर आ जाओगे। और इधर पिक पे तो बहुत बंदे मिलते हैं, लेकिन पिक पे बंदे रिवाइव होकर डायरेक्ट पिक के ऊपर जाते हैं, लेकिन कोई बैनर के ऊपर नहीं आता है। इसी का एडवांटेज लेके आप अच्छे खासे किल निकाल सकते हो। ये ट्रिक मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद आई है, बस दिक्कत थोड़ी सी आई है कि मेरे टीममेट की हेल्प मांगी। अगर सोलो की ट्रिक निकल जाए तो भाई मजा अलग है, क्योंकि इतने सारे किल मिलते हैं ना। बस आपको करना क्या, सोलो की ट्रिक चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ध्यान से ऑन कर लेना। यहाँ पे सेंटोनियो का यूज करके इस वाले घर पे आ चुका हूँ मैं, वापस भी जा सकता हूँ
रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे एक बंदा दिखा है मेरे को और यहाँ पे मैंने उसको हेडशॉट मारा और यहाँ पे मेरे हुक एफएफ से कल ही ट्रेनिंग लेके आया था इसलिए मेरा हेडशॉट ज्यादा पड़ रहा है। इसको फिनिश भी हेडशॉट से करा। चलो नेक्स्ट ट्रिक की ओर चलते हैं। ट्रिक नंबर 6 वर्क करने वाली अपने बीमा शक्ति के साइड में आपको एक मिनी लॉन्च पैड लेके आ जाना है और यहाँ पे टावर पे यूज कर लेना लॉन्च पैड को। आपको कुछ लॉन्च पैड ऐसे सेट कर देना है क्योंकि इस वाले टावर से ना बिजली आती है ना नेट आता है, तो क्या काम का टावर को ट्रिक यूज कर लो ना इस टावर। और एकदम अच्छे से बता देता हूँ ये ट्रिक जब यूज करना, जब आपका लास्ट जोन यहाँ पे बने या कोई से भी टावर के पास बने जब आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो। जैसे इस वाले लोकेशन में मेरा लास्ट जोन बन चुका था, मैंने सामने एक बंदे को मार दिया है और यहाँ पे लास्ट एक एनिमी बचा था, इसको भी मैंने स्कोप इन ड्रैगन शॉट मार के बुइया कर लिया। और अगर अभी तक आपने लाइक के बटन को ग्रे से ब्लू नहीं कर रहा हो तो फटाफट कर दो। ट्रिक नंबर 5 वर्क करने वाली है पिक पे और इतनी कमाल की ट्रिक बता रहा हूँ। एकदम बीच में एकदम सेंटर में ग्लूवल सेट करके इस डब्बे के ऊपर जंप कर देना। वैसे ये वाली ट्रिक बहुत सारे बंदों को पता है, पता नहीं मैंने आज तक बिहार में ये वाली ट्रिक बताई क्यों नहीं। वैसे मेरे को भी ये ट्रिक बहुत पहले से पता है, जब पिक आया था जब से पता है। इस वाले एनिमी को क्या ही हेडशॉट मारा है, इसका टीममेट बचा है, ये बंदा भाग नहीं जाए, इसके पहले ही मारना पड़े। अरे ये कहां जा रहा है, चलो इसको भी रेड नंबर मार के नॉक कर दिया, इसको फिनिश कर दिया। एक और फिनिश होना बचा लेकिन ये फिनिश ही नहीं हो रहा है, तो चलो इमोट दिखाते इसको भी फिनिश कर दिया। अगर आपको सोलो डेयर अगर कुछ भी सर्वाइव वगैरह करना हो तो आप यहाँ पे आके सर्वाइव कर सकते हो। ट्रिक नंबर 4 वर्क करने वाली अपनी कातोलिशिया पे आपको इस बैनर के ऊपर एक ग्लूवल सेट कर देना और ये वाली ट्रिक तब यूज करना जब आपका राउंड सेफ जोन आपका कातोलिशिया साइड बने और इधर आके आपको इस चट्टान के ऊपर, भाई पत्थर तो नहीं चट्टान है, आपको इधर कहीं पे भी एक लॉन्च पैड सेट कर देना है। बस आपको इस लॉन्च पैड को आप इस ग्लूवल के ऊपर सेट कर देना और लॉन्च कर दोगे तो आप इस वाले बैनर पे आ जाओगे। और एक बार की मैं बात बताता हूं, मैं लास्ट जोन में रिवाइव हुआ था कातोलिशिया पे और मेरे पे पॉकेट मार्केट थी तो मैंने उसमें से हील स्नाइपर खरीद ली और मेरे उस टाइम 0 किल थे, मैं डायरेक्ट बैनर के ऊपर ही उतरा था। मतलब ये ट्रिक यूज करके मैंने 7 से 8 किल निकाल लिए थे लास्ट जोन। यहाँ पे मैं एक नॉक ले चुका हूँ और यहाँ पे दूसरा नॉक भी ले चुका हूँ। मैं सेफ जोन में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मेरे पास सेंटुने कैरेक्टर है और यहाँ पे टोटल मेरे 14 ग्लूवल बन गए। आपको पता है कैसे बने, जिसको नहीं पता है उसकी कमेंट में हेल्प कर। और यहाँ पर हमारा बुइया हो गया। ट्रिक नंबर 3 वर्क करने वाली अपनी रिमनाम विलेज पे और ये वाली ट्रिक के लिए आपको एक मिनी लॉन्च पैड लेके आ जाना है इस वाली लोकेशन पे और यहाँ पे कुछ लगा देना है। उसके बाद आपको मिनी लॉन्च पैड एकदम पेड़ के ऊपर सेट कर देना है, फिर सिंपल से लॉन्च कर दो तो आप इस पेड़ के ऊपर अटक जाओगे। यहाँ पे आने के बाद आपको लेफ्ट राइट जॉयस्टिक करते करते आप ऊपर आते जाना और यहाँ पे एकदम टॉप पे आने के बाद आप फायर मत करना, आप शांति से बैठे रह के कैंपिंग कर सकते हो। अगर फायर करोगे तो बंदे देखेंगे, बाकी ऐसे में बंदे बिल्कुल नहीं देखते कभी पेड़ के ऊपर, आप भी नहीं देखते होंगे। नंबर 2 अपनी वर्क करने वाली है पिक पे और ये स्पेशली गिल्ड वॉर वाले प्लेयर के लिए, क्योंकि गिल्ड वॉर के टाइम सारे बंदे पिक पे उतरते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको पिक पे उतर के डायरेक्ट गन लूट के इस वाली कार के ऊपर जंप करके सामने वाली जगह पे जंप कर देना है। और यहाँ पे आपके अगर लेट गए तो कोई बंदा नोटिस भी नहीं कर पाएगा और अगर आपको किसी को मारना है तो बस आपको सीटअप करके बंदे मार सकते हो। और जैसे कि यहाँ पे किसी बंदे ने नोटिस ही नहीं करा, वो सामने से चले गए और मैंने पीछे से उसको मार दिया, सोनिया बन गया लेकिन उसको नॉक तो कर दिया और यहाँ पे इसको फिनिश भी ले चुके और वापस से लेट जाते क्योंकि अगर और कोई बंदा आएगा तो उनको भी मार सकते हैं। जैसे मैं फायर करके बुलाया तो एक बंदा और इधर आया लेकिन उसको मेरी लोकेशन नहीं पता है और ये अब रश कर रहा है, तो देखते हैं ये पीछे की साइड में आ गया, इधर एक ग्लू लगा लेते हैं और यहाँ से रश कर रहा है। चलो इसको इधर से ड्रैग हेडशॉट मार के इसको तो नॉक कर दिया लेकिन उसने मेरी हेल्थ अच्छी खासी खा गया था। ट्रिक नंबर 1 अपनी वर्क करने वाली है ग्रेवियर्ड के सामने वाले बैनर पे, लेकिन आपको लॉन्च पैड यूज करना पड़ेगा कातोलिशिया का। तो आपको लॉन्च पैड क्या यूज करना है, इस वाले ट्रैक्टर के ऊपर आपको लॉन्च पैड को एकदम लॉन्च कर देना एकदम सेट करके। और इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आने के बाद आपको एक ग्लूवल सेट कर देना जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर। यहाँ पे आपको याद होगा 2 महीने पहले यही वाली ट्रिक मैंने बिस्टन पैड की बताई थी, लेकिन अब मैं विदाउट बिस्टन लेके आ गया हूँ इसलिए बोलता हूँ मैं एक्टिव रिया करूँ चैनल पे, मैं आपको सब बताऊंगा। और अपन इस बैनर के ऊपर भी आ चुके हैं, अब इसे एडवांटेज बताता हूँ ट्रिक के। अब इतने सारे एडवांटेज है क्या बताऊं, यहाँ पे कोई बंदा आ नहीं सकता आपके पीछे पीछे क्योंकि आपने पहले ग्लू लगाया था, ग्लू हट चुका है। यहाँ पे आप किल भी कर सकते हो, सर्वाइव भी कर सकते हो, अगर सोलो डेयर से रिवाइव करना हो तो वो भी कर सकते हो। और अगर आपको बीआर की नेक्स्ट्रा की हिडन प्लेसेस देखनी हो तो लेफ्ट साइड वाली वीडियो जरूर से देख लेना। और अगर आप नो टॉप अप प्लेयर हो, फ्री ड्रेस कॉम्बिनेशन देखनी हो तो राइट साइड वीडियो आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।